साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस समय हम देखिए कटघरा के पास उपस्थित हो चुके हैं और दिखाना चाहेंगे। अभी आज देखिए यहाँ पे पुनः रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी बदलापुर पड़ाव से आप कलीचाबाद की तरफ जाएंगे यानी कटघरा, तो वहाँ पे देखिए पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। तो काफ़ी देखिए सभी लोग परेशान हैं, जो नागरिक हैं, जो राहगीर लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं। लोग गलियों के माध्यम से आगे जा रहे हैं, जैसा कि बता दें तो उसके पास देखिए हमें उपस्थित हो चुके हैं। तो अभी देखिए 25 फीट है, देखिए गहरा यहाँ पे अभी और खना जाएगा, जैसे कि हम आपको दिखा दें आगे। तो अभी और गहरा मतलब गड्ढा इस पर होगा तो सीवर का पाइप अंदर जाएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। वहाँ पे देखिए मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी के माध्यम से कार्य हो रहा है। तो जौनपुर में जगह जगह गड्ढों का जो प्रचलन है वो अभी जारी है और सीवर का काम लगातार हो रहा है। अभी भी हर जगह रोड खराबें हो रही हैं, जो रोड सही भी है उसको भी ख़राब कर दिया जा रहा है सीवर के माध्यम से। तो जनता काफ़ी परेशान है और देखिए आम जनता देखिए उधर से गलियों के माध्यम से जा रही है। तो बताना चाहेंगे पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक है, करीब एक हफ्ते से 10 दिन लग जाएंगे इसको बनने में। और बगल का ये देखिए, ये कटघरे का एरिया पूरा आता है साथियों, बल्लभपुर पड़ाव से आप जब कलीचाबाद की तरफ जाएंगे तो कटघरे के पास देखिए सीवर बनाने का काम चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं समाप्त और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। और जौनपुर में जगह जगह सीवर का काम पूरा किया गया है, तो कुछ जगह भी काम बाकी है, तो कुछ जगह भी इसी तरह देखिए काम पड़ा हुआ है। तो अभी इसका कार्य काफ़ी जोरों से प्रारंभ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम भी लगा हुआ था, उसको भी कैंसिल होने के कारण तब इस कार्य को पुनः चालू कर दिया गया है। आगे कलीचाबाद तिराहे पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी थी, तो उसका शिलान्यास के लिए, उसका उद्घाटन के लिए योगी जी का आगमन होना था जौनपुर में इसी रास्ते। तो इस रास्ते को बनाया नहीं गया, पुनः इस रास्ते पर देखिए सीवर का काम चालू हो गया है। तो देखिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का देखिए 2 बैरिकेड लगाया गया है ताकि कोई भी लोग आगे ना जा पाए। और देखिए उधर से भी दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को, जो जौनपुर शहर में जो विकास कार्य हो रहा है, जो प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है, इस कार्य को आप लोग पसंद किए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।